दोस्तों, आज के समय में फेमस होना बहुत आसान हो गया है और इसके लिए हम सभी को इंटरनेट और सोशल मीडिया को धन्यवाद देना चाहिए। ये जो भी लोग आज के समय में तेजी से इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं या अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं, इसका सबसे बड़ा श्रेय सोशल मीडिया को ही जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा उन्हें ये उपलब्धि जल्दी और आसानी से मिल सकती है। दोस्तों, पहले जब लोग इंटरनेट या सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते थे, तब भी लोग फेमस हुआ करते थे, पर उन्हें उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का टेलीविज़न या रेडियो ही एकमात्र सहारा हुआ करता था। तब लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया करते थे, बहुत कम लोग ही इंटरनेट या सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया करते थे। आज के ज़माने में सोशल मीडिया लोगों के जीवन में अहम रोल निभा रहा है। हम में से ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते होंगे। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल आस्क हिंदी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया एक परमाणु बम की तरह काम करते नजर आ रहा है, जहां आए दिन कोई ना कोई किसी न किसी वजह से फेमस या वायरल होता ही रहता है। सोशल मीडिया की वजह से अच्छे एक्टर की एक गलती भी लोगों की नज़र में उन्हें गिरा सकती है या फिर किसी को इतना चमका देती है कि हर दिन कहीं ना कहीं लोग इसे इंटरनेट पर सर्च करने लग जाते हैं। अब आप पावरी हो रही है वाली लड़की को ही ले लीजिए। पावरी हो रही है वाली उस छोटी सी वीडियो ने उस लड़की को रातों रात वायरल कर दिया। वहीं इसराज मुखाते कोकला बहन वाले रैप ने हर किसी के दिल को छू लिया। इसके अलावा विनोद साहू, भाई बस मुझे लैंड करा दे ने उस लड़के को हर जगह पॉपुलर बना दिया। ऐसे ही कुछ अन्य लोग हैं जो सोशल मीडिया के जरिए रातों रात फेमस हो गए और उनकी पूरी ज़िंदगी एक रात में ही बदल गई। इन 10 लोगों के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं कौन हैं वो 10 लोग जिन पर सोशल मीडिया और उसे यूज़ करने वाले मेहरबान हुए। नंबर 10, संजीव श्रीवास्तव। 48 वर्षीय विदिशा भोपाल मध्य प्रदेश में जन्मे संजीव श्रीवास्तव, जो पेशे से भाभा विश्वविद्यालय भोपाल के एक प्रोफेसर हैं। उनके डांस की वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने अपनी लोकप्रियता हासिल की। यह वीडियो 12 मई को ग्वालियर मध्य प्रदेश में उनके बहनोई की शादी में लेडीज संगीत समारोह के दौरान शूट किया गया था। वह सुपरस्टार गोविंदा के एक गाने, जो खुदगर्ज फिल्म का है, आपके आ जाने से पर नाच रहे थे। लोगों ने इस वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया और वायरल किया कि खुद गूगल ने भी इस वीडियो को अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन में यूज़ किया। यह वीडियो खुद सुपरस्टार गोविंदा जी ने भी देखा और उनके डांस की प्रशंसा की। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि उस वीडियो के बाद श्रीवास्तव जी इतना फेमस हो गए कि वे सुपरस्टार सलमान खान और गोविंदा से खुद मिले। नंबर 9, विपिन साहू। उत्तर प्रदेश के बांदा शहर में रहने वाले 23 वर्षीय विपिन साहू, जो एक बिजनेसमैन हैं, इनका बांदा शहर में ही अपना एक टाइल्स का शोरूम है। रोडीज के एक ऑडिशन में विपिन साहू ने खुद बताया कि उनको ऊंचाई से डर लगता है और अपने इसी डर को दूर करने के लिए वे मनाली पैराग्लाइडिंग करने गए थे। पैराग्लाइडिंग की शुरुआत में तो वो काफ़ी एक्साइटेड नजर आ रहे थे और बोलते हैं कि आज मैं आसमान की ऊंचाइयों पर और मेरे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, लेकिन बाद में जैसे ही वो और ऊंचाई तक जाते हैं, वैसे ही बार बार इंस्ट्रक्टर को लैंड करने के लिए बोलते हैं कि भाई 100-200 ज़्यादा ले ले तो मुझे लैंड करा दे, और खुद को अजीबोगरीब गाली भी देते हैं। दोस्तों, उनके इसी अंदाज की वजह से यह वीडियो इतना वायरल हुआ और लोगों ने उसे इतना पसंद किया कि वो रातों रात फेमस हो गए। दोस्तों, क्या आपको भी उनका यह अंदाज पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नंबर 8, जोमेटो वायरल बॉय सोनू। इन्हें कोई कैसे भूल सकता है कि कैसे इनकी मासूमियत और प्यारी सी मुस्कान ने साल 2020 को थोड़ा सा बेहतर बना दिया। साल 2020 फरवरी में प्यारी सी मुस्कान के साथ एक लड़के की तस्वीर इंटरनेट पर छाई हुई थी। जोमेटो डिलीवरी बॉय सोनू रातों रात स्टार बन गए थे। दिल्ली के एक टिकटॉक यूजर दानिश अंसारी 81 द्वारा लिए गए इस वीडियो में सोनू की मासूम मुस्कान थी, जिसने पूरे देश को खुश कर दिया था। यह वीडियो जिसे सबसे पहले टिकटॉक पर डाला गया था और बाद में यह सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया और कुछ ही समय में सोनू देश का सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला व्यक्ति बन गया। उसकी वीडियो को टिकटॉक पर 4.9 मिलियन बार देखा गया था। दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपने भी डिलीवरी बॉय सोनू की ये वीडियो देखी थी। नंबर 7, विनोद।
दोस्तों उन दिनों इंटरनेट पर विनोद विनोद और केवल विनोद ही चल रहा था। आखिर है कौन ये विनोद, हर किसी के जुबान पे बस यही सवाल था। अगर आप इंटरनेट पर थोड़ा सा भी एक्टिव रहते हैं तो उन दिनों आपके भी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विनोद नाम जरूर दिखाई दे रहा होगा। फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब, हर जगह बस विनोद। वैसे तो अब तक आपको पता ही चल गया होगा कि यह विनोद कौन है, फिर भी अगर आप इस नाम से अनजान हैं तो हम आपको बताते हैं कि कौन है ये विनोद और यह कैसे इतना फेमस हुआ। असल में विनोद का पूरा नाम विनोद थारू है, या एक यूज़र है जो एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम स्ले पॉइंट है, इस चैनल के वीडियोस के कमेंट बॉक्स में हर बार अपना नाम विनोद लिखा करता था और देखते ही देखते यह भी बहुत वायरल हो गया और इस पे बहुत सारे मीम्स भी बने। नंबर 6, मानसी शाह। 36 वर्षीय मानसी शाह जो मुंबई की रहने वाली हैं, जिनके 9 सेकंड के वीडियो में उन्होंने हाथ में चम्मच और थाली लेकर गो कोरोना गो चिल्ला रही थी, यह काफ़ी वायरल हो गया। उनके सास ससुर ने ही इस वीडियो को शूट किया था और उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया था। बाद में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जमकर वायरल हुआ। दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च 2020 को एकता और एकजुटता के लिए जनता कर्फ्यू लगाया था और राष्ट्र भर के युवा और बूढ़े लोग, मेडिकल स्टाफ, पुलिस और अन्य लोगों की सराहना करने के लिए घंटियां बजाने के लिए जनता से अपील की थी, जिसमें पूरे देश के लोग घंटियां और घर के बर्तन लेके भी इसे बजाते नजर आए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं कि क्या आपने भी बर्तन या घंटियां बजाई थी। नंबर 5, बाबा का ढाबा, जिसके मालिक कांत प्रसाद जी हैं। 1980 से ये ढाबा चला रहे हैं, जिनकी उम्र 80 वर्ष है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात बहुत कम समय में पहुंचाई जा सकती है, इसकी झलक उस वक्त देखने को मिली जब दिल्ली में एक गरीब बुजुर्ग दंपत्ति का वीडियो वायरल होने के बाद उनका ढाबा मशहूर हो गया। दरअसल बात यह है कि जब भारत में लॉकडाउन लगा उसके बाद बुधवार को ट्विटर पर एक वीडियो सामने आया जिसमें बाबा का ढाबा चलाने वाले बुजुर्ग दंपत्ति ने बताया कि लॉकडाउन के बाद उनका काम ठप हो गया है और ढाबे पर अब बहुत कम ही ग्राहक आते हैं। आपको बता दें इस वीडियो को गौरव वासन ने, जो एक पेशे से यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह वीडियो डाला था। इस वीडियो को आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने शेयर करते हुए लिखा था कि कल वो इस ढाबे पर जाएंगे और इन बुजुर्ग दंपत्ति की मदद भी करेंगे। इसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया और गुरुवार को बाबा का ढाबा पर ग्राहकों की लंबी लाइन शुरू हो गई। नंबर 4, साइमा हुसैन मीर। दोस्तों कुछ साल पहले शाहरुख खान की एक तस्वीर वायरल हुई थी शाहरुख खान के साथ। इस सेल्फी से जो लड़की मशहूर हुई वो द सेल्फी गर्ल के नाम से मशहूर हुई थी और लोग उसे सेल्फी गर्ल कहने लगे। शाहरुख खान की सेल्फी में दिख रही ये खूबसूरत लड़की साइमा हुसैन मीर है। डिजाइनिंग की थर्ड ईयर की स्टूडेंट साइमा कश्मीर की रहने वाली है। कमाल की बात तो यह है कि 21 साल की साइमा को बहुत बाद में यह पता चला कि वो सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा मशहूर हो रही हैं और लोग लाखों की संख्या में इस तस्वीर को पसंद कर रहे हैं। लोग साइमा के लिए इतने पागल हो गए कि उन्होंने उनको शादी के प्रस्ताव भी देने लगे। नंबर 3, मोमिन साकिब और बिलाल साकिब। जी हाँ दोस्तों, मोमिन साकिब और बिलाल साकिब, जिन्होंने भारत से हार के बाद पाकिस्तान टीम को मजाकिया अंदाज में बोला था कि ओ भाई मारो मुझे मारो, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में भारत से पाकिस्तान की हार के बाद फैंस का गुस्सा करना जाहिर था, जिसके कई सारे वीडियो सामने आए थे। ऐसे ही एक वीडियो में दो पाकिस्तानी युवक मोमिन साकिब और बिलाल साकिब अपनी टीम के खिलाड़ियों के फिटनेस पर सवाल उठा रहे थे। उनके रोने और पाकिस्तानी टीम को कोसने के वीडियो काफी वायरल हुए थे। इन दोनों ने काफी मजाकिया लहजे में पाकिस्तान टीम को घेरा था। मोमिन गुस्सा करते हुए भावनाओं में बह गए थे, वहीं उनके दोस्त बिलाल उनके आंसू पोंछते और उन्हें सहारा देते नजर आए। नंबर 2, यशराज मुखाते। दोस्तों अब इनके बारे में क्या ही कहूँ, ऐसा कौन होगा जो सोशल मीडिया से जुड़ा हो और यशराज मुखाते के बारे में ना जानता हो। यशराज मुखाते इन दोनों सोशल मीडिया के स्टार बन गए हैं और रातों रात फेमस हो गए हैं। स्टार प्लस के सीरियल साथ निभाना साथिया के डायलॉग पर उन्होंने एक ऐसा फनी रैप बनाया जो सभी के दिमाग पर चढ़ गया और सभी इस रैप को गुनगुनाने लगे, रसोड़े में कौन था। इस टाइटल पर यशराज मुखाते ने एक वीडियो बनाया था जिसमें कोकिला बहन, गोपी बहू और राशि पर बना यह वीडियो इतना वायरल हो गया कि इसे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, एक्टर वरुण धवन, एक्टर राजकुमार जैसे कलाकारों ने भी बहुत पसंद किया। यशराज मुखाते ने कुछ न्यूज़ चैनल के साथ बातचीत में अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ कि लोग मेरा यह वीडियो इतना पसंद आया
कि उन्होंने मेरा या कोकिला बहन वाला वीडियो वायरल कर दिया। इसकी वजह से मेरे बाकी सारे वीडियोस पर भी बहुत सारे व्यूज़ मिल रहे हैं। यशराज मुखाते ने इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाया, पर उन्हें संगीत में भी अधिक रुचि थी। उन्होंने सोशल मीडिया में स्पूफ वीडियो के साथ अपनी शुरुआत की थी। अगस्त 2020 में उन्होंने कोकिला बहन वाला वीडियो डाला था। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले थे। उनके इस वीडियो के वायरल होने के बाद यशराज ने दिसंबर 2020 में शहनाज गिल के एक डायलॉग जो उन्होंने बिग बॉस में बोला था उस पर एक नया रैप बनाया कि क्या करूं मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। इस पर अब तक 52 मिलियन से अधिक व्यूज आ चुके हैं। नंबर 1, दाना नीर मोबीन पावरी हो रही है। इस वीडियो से रातों रात फेमस हुई लड़की दाना नीर मोबीन आखिर कौन है और इनकी खूबसूरती के लोग क्यों इतने कायल हो रहे हैं। दाना नीर की उम्र महज 19 साल है जो पाकिस्तान की रहने वाली हैं। दोस्तों के साथ पार्टी कर रही दाना नीर मोबीन ने जब मजाक में एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। दाना नीर ने बताया कि उन्होंने यह वीडियो तब शूट किया था जब वह दोस्तों के साथ नथिया गली घूमने गई थी। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्थित है। इसमें वो कह रही हैं कि ये हमारी कार है और ये हम हैं और यहाँ हमारी पारी हो रही है। जैसा कि हमने आपको यशराज मुखाते के बारे में पहले ही बताया कि वह फनी रैप बनाते हैं। इस वीडियो को यशराज मुखाते ने एडिट किया और फिर किया था। पिछले कुछ दिनों से यह वायरल है। हर तरफ लोग उस लड़की की चर्चा कर रहे हैं और दाना नीर रातों रात स्टार बन गई हैं। दाना नीर के इंस्टाग्राम पर उनकी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। उनके पावरी के अंदाज का लोगों ने मजाक भी बनाया, पर एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मुझे पार्टी कहना आता है और मुझे पता है कि ये पारी नहीं बल्कि पार्टी होता है। दाना नीर ने बताया कि वीडियो में जिस तरह उन्होंने पारी बोला है वो मजाक में जानबूझकर बोला था, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरा यह वीडियो इतना वायरल हो जाएगा। खुद को यूट्यूबर बताती हैं और इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर हैं। तो दोस्तों, यह थे वो 10 लोग जो रातों रात फेमस हो गए और जिन पर सोशल मीडिया मेहरबान हुआ। तो दोस्तों, आप इंटरनेट और सोशल मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं, अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिंदी फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल आस्क हिंदी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।